जो जितना कुछ ना हम लोगों ने पेपर सॉल्व करने की इसी वजह से कर ली, और वो कुछ समझ भी आ नहीं गई, वरना तो पता नहीं ऐसे समझते कि पता नहीं कहाँ से आ गया ये पूरा पेपर। थैंक यू फॉर दिस फीडबैक। नहीं हम तुम लोग से अल्लाह मजा आपको बड़ा है, इसका बहुत अजर दे। ये जो 60 दिन गुजरे हैं ना मेरे लिए बड़े एक्साइटिंग थे। मैं बड़ा खुश होती थी कि अब डिस्कशन हो रही है, मैम रेफरेंसेस ढूंढना हम और वो आपको भी दुआएं भी बहुत एक्साइटमेंट, देते हैं। और वो समरी कार्ड्स बनाना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रात के 2-2-3 बजे भी मोबाइल मैम पे बना आपके रही होती समरी थी। कार्ड्स तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे थे। आप यकीन करें आपके समरी कार्ड्स की वजह से ही मैं ये पेपर देने गई थी, वरना मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि मैं नहीं दे सकती ये पेपर, क्योंकि मेरा सिजेरियन अभी हुआ था 2-3 जनवरी को ना, और उसके बाद मैंने कहा कि मैं कैसे रिवाइज करूं सब कुछ, लेकिन फिर मैंने सिर्फ समरी कार्ड्स आपके गो थ्रू किए। चलो गुड। अच्छा अभी अल्लाह ताला आपको बेसिक, अजर दे इंशाल्लाह। थैंक यू ग्रीन, बेसिक वाइवा वर्कशॉप के बारे में बता रही थी। अभी 10 दिन जो है ना अगले हैं, तो मुसीबत वाले गुजारने भी हैं। तो बंदे को ना हमेशा अपनी, आई नो हम जिंदगी में सब गलतियां करते हैं, 100% ना कोई भी नहीं है। थोड़ी बहुत गलतियां हो गई है एग्जाम की, आपको याद आ रही है, वो नींद भी नहीं आती ना, बुरा लगता है यार क्यों किया ये, मैं ऐसा कर कैसे सकती हूँ, ये मैंने देखा क्यों नहीं। माफ करें खुद को, ठीक है, दीज मिस्टेक्स आर आवर फ्रेंड। और जब तक वो कहते हैं ना, दे आर जस्ट अनफिनिश्ड सक्सेस स्टोरीज हैं, वन डे दे बिल्कुल परफेक्ट स्टोरीज ये बन जाएंगी। बस जस्ट कीप ऑन लर्निंग, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। तो ये 10 दिन जो है ना, इनको बेस्ट वे में गुजारा जा सकता है। और ये ऐसे है कि आपको फील होगा कि यस यू हैव डन समथिंग कंस्ट्रक्टिव। जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं फील होगा कि यार मेरा थ्योरी नहीं पास हुआ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरा थ्योरी नहीं पास हुआ और मैंने क्यों लिया बेसिक बायो वर्कशॉप। और मे भी बहुत सारे आपके खैर खा आपको कहेंगे लेना नहीं चाहिए था शायद, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रमोट दैट बेसिक बायो वर्कशॉप, तो आई एम यू नो प्लेइंग विद योर माइंड। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है जिनका थ्योरी इन्होंने अभी देनी है, जो मेरे IMM के बच्चे हैं, ये वो उनको भी मैंने बोला है। बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, इनमें से काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लिनिकली अच्छे हो सकते थे, जैसे मेनोरिया वाले, ट्यूबल रिवर्जन वाले, जो टोक्स के स्टेशन पैट थे, यूरेटर वाले, जिसमें बेसिक क्लिनिकल सेंस ही देखी जा रही थी। अगर आपको कोई एग्जाम से पहले इस पे वर्क कर ले आपकी बेसिक क्लिनिकल ट्यूनिंग पे, तो यू कैन परफॉर्म 20-30% एडिशनली बेटर देन दोज हु आर नॉट वर्किंग एट दिस। तो ये जो वाइवा की तैयारी है ये स्टार्ट हो जानी चाहिए जब आप अपनी थीरी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, उसके साथ ही, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटीज थीरी में पास होने की भी बढ़े और थीरी पास करते ही उसी अटेम्प्ट में वाइवा पास करने के लिए भी बढ़ जाए, और कभी इससे रिग्रेट नहीं फील होता इससे। तो ये सिर्फ मेरे ना 10 सेशंस होंगे, ओनली 10 डेज की एक्टिविटी है, बट वट आई विल डू इन दीज 10 डेज। तो पहला सेशन 13 को होगा संडे को, उसमें क्लिनिकल एग्जाम की बस ABC क्या होता क्या एग्जाम, जो बिल्कुल बिगनर्स को पता ही नहीं होता, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं गाइनी के, ओब्स के, टाइम मैनेजमेंट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और बैग वगैरह कैसे, अपने टूल गैजेट कैसे, माइंडसेट कैसे उसको बनाना है क्लिनिकल एग्जाम के लिए, सब चीजें हम 13 को कर लेंगे। बट 14 से हम गाइनी और ओब्स के स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हम सीखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टिल योर मैनेजमेंट एंड रीसेंट एडवांसेस। फिर 15 को हम डायबिटीज की A to Z मैनेजमेंट आइडियल वे में, विद हिस्ट्री कंपोनेंट्स, DDs, इन्वेस्टिगेशन, टिल मैनेजमेंट, टिल रीसेंट एडवांसेस, एक आइडियल डायबिटीज का केस होता कैसे है वो कर लेंगे। इसमें आप देखोगे कि आपके इतने थ्योरी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे होते हैं, जो कि, और डायबिटीज पिछले 2-3 सालों से ट्रेंड आ रहा है कि वो क्लिनिकल हो गया ज्यादा, जैसे कि पोली है बट शुगर नॉर्मल है, शुगर खराब है पोली नहीं है, इंडक्शन कब करनी है, टर्मिनेशन कब करनी है, ये सारे मसले क्लिनिकल ही हैं। वंस यू विल अटेंड दिस सेशन, तो योर अप्रोच विल बी ऑटोमेटिकली बेटर टुवर्ड्स एनी थीरी कोर्स, थीरी क्वेश्चन रिगार्डिंग डायबिटीज क्लिनिकल क्वेश्चंस। 4 सेशन हो गए हाइपरटेंशन, IUGR एनोमलीज पे, इसको मैं मिला के पढ़ती हूँ क्योंकि हाइपरटेंशन से IUGR होना होता है, IUGR में एनोमलीज एक्सक्लूड करनी होती है, और VBAC में इंडक्शन साथ मिला के पढ़ती हूँ।
और फिर ब्रीच के सिनेरियोस भी इसी के साथ को रिलेट करते हैं. HMB, फाइब्राइड, एज वेल एज HMB तो एक सिंड्रोम है ना, पॉलीप है, हाइपरप्लेजिया है, ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल रीजन है, एडिनो है, एंडोमेट्रियोसिस है, इन्फेक्शन है. तो उसके जो है उसकी अप्रोच हम करेंगे विद इट्स निमोनिक फिर इनफर्टिलिटी, अनएक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, मेल फीमेल, और फिर प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कैसे अप्रोच करनी है, देन प्रोलैप्स एंड वॉल प्रोलैप्स, अगेन स्पेशल केसेस अप्रोच कैसे होने चाहिए आइडियल वे में यंग मेल पेशेंट में और ओल्ड पेशेंट में, एंड देन मेलिग्नेंसीज. तो ये 10 सेशंस हैं, बट वंस यू विल ज्वाइन या वंस यू विल अटेंड दीज 10 सेशंस तो फिर मैं आपसे एक फीडबैक लूंगी और फिर वो फीडबैक ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा कि व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दीज 10 डेज. एंड जिस दिन आपने डे 1 पे स्टार्ट किया था आप कहाँ खड़े थे और जिस दिन आज डे 10 है तो आप कहाँ खड़े हो. उसके बाद होपफुली आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा और यू विल हैव नो यू नो टू वेज, या तो आप आगे वाइवा में मूव कर रहे होंगे, एडवांस क्लिनिकल केसेस कर रहे होंगे, या आप पीछे आ रहे होंगे थीरी पे. कोई और तो नहीं है कि हम EFCPS करना छोड़ देंगे. जब तक नहीं होगा तब तक तो हमने देना ही एग्जाम, अल्लाह करे जल्दी आपकी मुसीबत आसान. तो जो बच्चे एडवांस क्लिनिकल कोर्सेज कर रहे होंगे वो बहुत अच्छे होंगे उन लोगों से जिन्होंने ये 10 दिन वेस्ट किए हैं, या जब वो उस 10th डे पे उनको सोच रहे होंगे यार ये वाइवा क्या होता है, ये कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वार्ड में जा रहे हैं तो क्या करें, किससे पूछें, कैसे पेशेंट से पूछें, मतलब कुछ भी नहीं पता होगा. बट आप तो यहाँ खड़े होंगे ना मेलिग्नेंसीज पे, और आपके पास जो नेक्स्ट 30 या 20 डेज होंगे आप उसमें एडवांस केसेस कर रहे होंगे जो कि एक्स्ट्रा आपके एग्जाम केसेस होते हैं, और आपको नहीं लगेगा कि आप कोई फर्स्ट बिगिनर हो. यू विल थिंक किसी भी रिपीटर को आप आराम से टैकल कर सकते हो, मोर क्लिनिकली साउंड होंगे और थ्रेटिकली भी साउंड होंगे बिकॉज अभी तो थ्री पास की है. तो ये वो सेशन है कि बाई एनी मीन यू विल नॉट फील रेग्रेट कि ये क्यों ज्वाइन किया. और वो बच्चे जो रह जाएंगे, अल्लाह ना करे नहीं, बट फैक्ट ये बताता है कि 50% पास हो रहे हैं, 50% नहीं हो रहे, तो जो रह जाएंगे फिर व्हेन दे विल असेस एनी क्वेश्चन वो उनसे बहुत बेहतर होंगे जिनकी क्लिनिकल ट्यूनिंग नहीं होगी. ऑब्वियसली ये आपकी रेजिडेंसी में बहुत अच्छे यूनिट्स कर देते हैं, जिनकी नहीं होती उनके लिए हम है. तो डू नॉट मिस दिस सेशन. इसके जो एक दो डेमो केसेस हैं मैंस एब्डोमेन के वो आप सुन भी लें तो आपको अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि कैसे आपका दिमाग खुलता है. इसके बाद नेक्स्ट लेवल वर्कशॉप या एडवांस शुरू होगी. अब कहानी अब शुरू होगी, वैसे ओरिजिनल जो एडवांस क्लिनिकल वर्कशॉप है वो अब शुरू होगी 10 दिनों के बाद जब एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा. जिनको पता है कि हमने वाइवा देना है तो वो फिर सोच रहे होंगे व्हाट शुड वी डू, और फिर बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही होगी और वर्कशॉप्स हो रही होंगी और आपके अपने यूनिट्स करा रहे होंगे, ऑनलाइन भी हो रही होंगी और बहुत अच्छी हो रही होंगी. लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आपकी जो अपने मेंटोर से डिस्कशन होगी वो ये नहीं होगी कि मैडम हिस्ट्री में क्या पूछूं, मैडम इसकी इन्वेस्टिगेशन की ये जस्टिफिकेशन क्यों है, क्या करें. आपकी जो डिस्कशन होगी ना अपने मेंटोर से वो ये होगी कि मैडम इसकी मैनेजमेंट में क्या आएगा, मैडम इसकी रीसेंट एडवांसेस में क्या आएगा, और इसकी 5वीं DD कैसे बनेगी. ठीक है, इंशाल्लाह. तो फिर ये हमारा नेक्स्ट एक सेपरेट कोर्स है, एडवांस क्लिनिकल कोर्स, जिसमें जो है इंशाल्लाह आप सब बैठेंगे. और फिर जो लोग जिनका रिजल्ट आ जाएगा दे विल स्टार्ट टॉक्स एज वेल. टॉक्स की स्टोरी 25 February से स्टार्ट होगी टिल योर एग्जाम. 20 दिन चाहिए होते हैं. टॉक्स भी इतने आसान नहीं है, लोग रह जाते हैं टॉक्स में. आपने अपने सीनियर्स को भी देखा है जो उनको आसान लेते हैं. तो हाउ वी विल डू दिस, हमने इसको दो सेटअप में डिज़ाइन किया है, मॉड्यूल्स वाइज. एक रीडिंग करेंगे मॉड्यूल वाइज के, सारे टॉक्स लेबर के एक दफ़ा पढ़ लेंगे, मेडिसिन फीटल मेडिसिन के एक दफ़ा पढ़ लेंगे, मेडिकल डिसऑर्डर के एक दफ़ा पढ़ लेंगे, काउंसलिंग के सारे एक दफ़ा पढ़ लेंगे विद इट्स कंपोनेंट्स, कॉन्ट्रासेप्शन सारे एक दफ़ा पढ़ लेंगे विद इट्स काउंसलिंग, ऑनकोलॉजी के एक दफ़ा कर लेंगे, यूरोगाइडिंग ग्राफ्स प्रॉप क्यू सारे एक दफ़ा कर लेंगे, और स्किल्स ग्राफ्स एक दफ़ा कर लेंगे. देन वी विल स्टार्ट अवर सेकेंड राउंड. ये सेकेंड रीड होगी बट ये पेपर वाइज होगी. इसमें डिफरेंट हमारे रैपअप सेशंस होंगे. मैं ये 7 सेशंस लूंगी लाइव, और ऑल्दो हर पेपर इंडिविजुअली भी आपकी लाइब्रेरी में अपलोड होगा विद टॉक स्टेशंस विद सॉल्यूशन इन रिटर्न एज वेल. बुक भी अवेलेबल है टॉक्स की, सिर्फ फास्ट पेपर्स की अभी
तो वो भी आपके पास होगी, आप पढ़ भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। तो 2015 के सारे FCPS IMM के टॉक्स हम एक दिन में कर लेंगे, दूसरे सेशन में हम 16 के कर लेंगे, 17 के थर्ड में कर लेंगे, और फोर्थ में हम सारे FCPS IMM और MCPS के कर लेंगे। मैं हमेशा FCPS को सब कुछ पढ़ाती हूँ। कल का एग्जाम देखे भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि MCPS के पूल से भी आ रहे थे, वो जो एक फ्राइड रेक्स एंड वो कल्चर था, दैट वाज फ्रॉम MCPS पूल। और जो लेबर के क्वेश्चंस थे सारे 80-90% वो IMM के पूल से थे, इन्फेक्शन IMM के पूल से था। तो इसलिए FCPS के लोगों को बाकी चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं, IMM को रिवाइज करना पड़ता है और MCPS की नई चीजें देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए हम 2019 के जब टॉक सेशन करेंगे तो हम FCPS IMM के भी टॉक सेशन साथ करेंगे, और सब चीजें सॉल्व होंगी, बहुत इजी लाइट सेशन जाएगा, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, मजा आएगा। और फिर इसी तरह हमारा 7th सेशन विल बी लास्ट सेशन, इसमें हम 2021 का सारे कर लेंगे। अभी 27 अक्टूबर को जो टॉक सेशन हुआ है MCPS का, दैट इज लास्ट सेशन, वो हम वहां तक करेंगे, फिर इसके बाद आपके आएंगे। तो ये है अबाउट प्लानर, ठीक है कि ये MCPS का क्रैश कोर्स के साथ मैंने लिखा हुआ था। सेशन ये जो होंगे इंटरेक्टिव जूम पे होंगे, और यू कैन जॉइन अस, दिस इज आवर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यस, एनी क्वेश्चन?